सोफिया में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कैप्रिन एनकाउंटर के बारे में एसएसपी सोफिया सीओ 34 आरआर एंड सीओ 178 बटालियन ने पाकिस्तानी आतंकवादी कामरान भाई उर्फ हेनेस की हत्या के संबंध में सोफिया में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीच उन्होंने कहा कि यह 34 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा किया गया एक बहुत ही साफ और पेशेवर ऑपरेशन था। मुठभेड़ की जगह से 4 मैगजीन के साथ AK-74 बरामद किया गया है। कल रात में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी प्रेजेंस ऑफ अ टेररिस्ट इन कापरन विलेज, तो अर्ली मॉर्निंग 34 आरआर पुलिस और 178 बटालियन CRPF के फोर्स ने कॉर्डन लगाया और वहाँ पे सुबह 6 बजे के अराउंड फायरिंग शुरू हो गई। ये मदरसा था, मदरसा के पास से ही फायरिंग शुरू हुई, तो वहाँ पे एक जैश का मिलिटेंट हनीस @ कामरान भाई वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हुआ है आज कापरन के विलेज में। मैम चौधरी गुंड से 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये वाकया जहाँ पे वो गुरु कृष्ण भट्ट को मारा गया था, तो आपको लग रहा है कि इस फॉरनर का उसमें हाथ था या नजदीक देखा जाएगा? नहीं, चौधरी गुंड के इंसिडेंट में हमें कुछ लीड मिली है, ये जैश का है, वो लश्कर का काम था तो इसका इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था, पर हम लोग श्योर है कि ये कुछ ना कुछ इंसिडेंट करने के लिए ही आया होगा यहाँ पे, तो काफी अच्छी सफलता मिली है फोर्सेस को और फ्यूचर का इंसिडेंट भी बना। ये पाकिस्तानी था तो ये तो कैटेगरी A+ में आता था और ये अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि ये 7-8 महीने से कुलगाम और शोपियां के बॉर्डर में एक्टिव था। कोई इंसिडेंट तो इसके रिलेटेड अभी तक नहीं पता चला है कि इसका किस इंसिडेंट में हाथ था, डायरेक्ट हाथ था, लेकिन हम लोगों को लगता है फ्यूचर में कुछ करने वाला था तो उसके कारण हमारा फ्यूचर इंसिडेंट काफी यहाँ पे मुझे लगता है बच गया हमारा होने से। ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए क्योंकि हम लोग को बहुत दिन से इंट मिल रहे हैं फिदाइन के या सिक्योरिटी फोर्सेज पे अटैक के, पंडित पे अटैक के, तो ऐसे जब पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पे न्यूट्रलाइज होंगे तो उसके कारण ऑब्वियसली काफी इंसिडेंट्स बचेंगे और फ्यूचर में हम लोग को मोरल भी हाई होता है इससे कि हम लोग इंसिडेंट बचा पाए। रिकवरी हुई है एक AK-56, AK-74 और 4 मैगजीन्स। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24x7।